लवीना विकास सेवा संस्थान ओगना के तहत दायर याचिका में जोधपुर हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बाल अधिकारिता विभाग जयपुर के पंजीयन नवीनीकरण नहीं करने के आदेश को स्टे कर दिया है। कोर्ट के आदेश अनुसार बीटी कॉटन के निराश्रित बाल श्रमिक लवीना विकास सेवा संस्थान के ओपन शेल्टर होम ओगना में ही रहकर पढ़ाई करेंगे। संस्थान की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय की एडवोकेट प्रतिष्ठा दवे ने पैरवी की। बीटी कॉटन के इन मासूमों को हटाने के पीछे सहायक निदेशक ने खूब जोर लगाया और मासूमों को वनवासी कल्याण परिषद कोटड़ा ट्रांसफर के आदेश दिए, जिसके चलते शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी ने भी बच्चों को नारायण सेवा संस्थान के होम में ट्रांसफर के आदेश निकाल दिए। इसकी सूचना मेल पर प्राप्त होते ही संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्बिया ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना का पत्राचार कर राहत की सांस ली। मैं भरत कुमार पूर्बिया, संस्थापक संचालक लवीना विकास सेवा संस्थान ओगना। हमारी संस्था द्वारा 32 बीटी कोटन के निराश्रित बाल श्रमिकों का ओपन शेल्टर होम ओगना में संचालित है। वर्तमान में निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग जयपुर का 24 जनवरी को एक आदेश हुआ, जिसके तहत हमारे संस्थान का पंजीयन नवीनीकरण समाप्त कर दिया था, जिसमें सहायक निदेशक उदयपुर द्वारा बेबुनियाद आरोप का पत्राचार किया गया था, जिस वजह से वो हमारा पंजीयन नवीनीकरण समाप्त हो गया था। उसके बाद हमने इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर कराई थी, जिसके तहत आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं कि उस 24 जनवरी के आदेश को स्टे कर दिया गया है। बच्चे यथावत लवीना विकास सेवा संस्थान के ओपन सेल्टर होम में रहकर पढ़ाई करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्वागत योग्य है। हमारा संस्थान परिवार सदैव उनका आभारी रहेगा।